सो हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं Realme का जो अपकमिंग फ्लैगशिप फोन है जो हमें देखने मिलता है Realme GT। और ये इंडिया के अंदर अभी तक तो लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर से हमने इसे इंपोर्ट करवा लिया आप लोगों के लिए। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का फोन है। और ये रहा उसका बॉक्स Realme GT का, काला काला सा डब्बा आया हुआ है इस बार। इस फोन के अंदर कुछ ऐसे की स्पेसिफिकेशन है, तो जिसमें सबसे पहला है स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर इस फोन के अंदर आएगा, अभी तक का Realme का सबसे पावरफुल फोन होगा। तो Realme GT चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, 6128 वाला जो वेरिएंट है। और अगर हम बात करेंगे उसे इंडियन प्राइस के हिसाब से अराउंड कुछ 31-32,000 निकल कर आता है। अभी यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि आप लोग गेस करो कि Realme GT जब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो उसकी प्राइसिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर इसकी प्राइसिंग जो बेस वेरिएंट अगर हम पकड़ के चल रहे हैं 6128 वाला, वो आराम से 38,000 से लेकर 40,000 प्लस तक आ सकता है ये फोन। मैंने इतनी हायर प्राइसिंग इसके लिए कही है क्योंकि जिस तरीके से Realme X7 Pro 30,000 में आया था ना, तो उस हिसाब से सब बातें समझ कर ये मेरे हिसाब से ये फोन हमें इंडिया के अंदर 38-40,000 में आराम से देखने मिल सकता है। बाकी लेट्स सी क्या होने वाला है। और गाइस एक बात और बता दूं, ब्रांड ने फोन नहीं भेजा है, इस फोन को हम लोग ने बाहर से इंपोर्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इंडिया में फोन आने से पहले सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर तरीके से पता चल जाए। तो इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए जो वीडियो का लाइक का टारगेट है ना, उसे कंप्लीट तो आपको करना ही है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 3 लाख सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी करने हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर डालो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना मोर बिहाइंड द सीन्स के लिए। पॉपअप अनबॉक्सिंग आ गया। तो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल लगा हुआ है, पर वर्क वगैरह है एकदम कम। और टीपीयू कवर देखने मिलता है, नॉर्मल है, ग्रे कलर का, अच्छा है। सो ये रहा यहाँ पर फोन, और बाद में इसे चेकआउट करेंगे हम। USB टू टाइप सी का केबल है फोन को चार्ज करने के लिए, 65 वॉट का ये सुपर डार्ट चार्जर है। एकदम मस्त शाइनी चमकदार फोन है, आप देख सकते हो पीछे किस तरीके से देखने मिलता है लुक। पैटर्न भी है यहाँ पर, हल्के पैटर्न, बट वो इनसाइड है, टेक्सचर नहीं है विजिबल आपको पूरा, मतलब कांच देखने मिल रहा है, एकदम कांच का टुकड़ा। और एक अच्छी चीज क्या है, इसमें डेयर टू लीप नहीं लिखा हुआ है, वरना मूड खराब हो जाता था। यहाँ पर ऑलमोस्ट साइड की तरफ हमें जो बॉडी देखने मिलती है, ये मेटल फ्रेम देखने मिलता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये मेटलिक है। बाकी यहाँ पर आपको साइड में लॉक बटन देखने मिल जाता है, जिसपे हल्की सी येलो कलर की लाइन है। और टॉप की तरफ आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने मिल जाता है यहाँ पर है। और इस तरफ आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने मिलते हैं, और सिम ट्रे वाला पार्ट भी है। तो ये है, यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, और मेमोरी कार्ड का जुगाड़ नहीं हो पाएगा इसके अंदर। बाकी नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाता है, और टाइप सी का पोर्ट है, माइक है, और साथ में 3.5mm जैक पोर्ट भी है। और बहुत सही है भाई, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, Realme X7 में क्या ही सोच के निकाला भगवान जाने। 3 कैमरा हमें देखने मिलते हैं, प्राइमरी सेंसर 64MP का है, 8MP का वाइड एंगल लेंस देखने मिलता है, और 2MP का मैक्रो सेंसर देखने मिल जाता है। और जो प्राइमरी सेंसर हमें देखने मिलता है 64MP का, वो आता है सोनी का IMX682 का सेंसर यहाँ पर देखने मिल जाता है। और यहाँ पर हमें पंच होल कैमरा देखने मिल जाता है, जो है 16 मेगापिक्सल। और यहाँ पर ये टीपीयू कवर जो बॉक्स के अंदर है वो लगा लिया हमने, और काफी अच्छा लुक देखने मिल जाता है। सो यहाँ पर आ चुका है तराजू टाइम, अब देखते हैं कितना वेट है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 187 ग्राम है, और कवर के साथ में 205 ग्राम। सो गाइस यहाँ पर Realme GT को ऑलमोस्ट मैं 2 दिन से यूज कर रहा हूँ, पूरा सेटअप वेटअप करके रख लिया था। 2 दिन के एक्सपीरियंस के बाद में आपको Realme GT की क्या बात मुझे लगी है वो सब एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इसका जो बिल्ड है ना, जो लुक है ना, काफी अच्छा लग रहा है। जो Realme के जो डिजाइन है ना, ऑलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही है, पर थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस निकाल के देता है, इसके लिए तो मैं कहना चाहूंगा यस। और जो कैमरा का बम्प है ना, वो इतना ज्यादा भी मैसिव नहीं है, और टेबल पे भी आपको उतनी तकलीफ नहीं देगा बिना कवर के। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें देखने मिलती है 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पैनल के साथ में। और यहाँ पर आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। सबसे पहली बात तो इसकी पोजीशन मुझे बहुत ज्यादा नीचे लगी है, पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए, पर थोड़ा नीचे यहाँ पर हमें देखने मिलता है। और सही बात यहाँ पर इसकी स्पीड को लेकर, तो यस काफी फास्ट और एक्यूरेट देखने मिलता है। और यहाँ पर इसका हैप्टिक फीडबैक है, जैसे कि मैं अनलॉक को यूज कर रहा था तो वहां पर पीछे से हल्का सा एक वाइब्रेशन आता है, और साथ ही साथ टाइपिंग को लेकर, तो जो हैप्टिक फीडबैक की जो मोटर है ना, पता नहीं कौन सी है, बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देती है। 12GB 256 स्टोरेज वाला वेरिएंट मेरे पास में, जो हाईर वेरिएंट है, और इसके नीचे वाला 6128 है। इंडिया में भी आई थिंक सो अगर ये आता है तो 6128 में हमें देखने मिल ही जाएगा। अभी यहां पर जो इसके अंदर जो स्टोरेज है ना, वो हमें देखने मिलती है UFS 3.1। रही बात यहां पर LPDDR5 की रैम हमें देखने मिलती है इसके अंदर, जो भी यहां पर एक फास्टर नंबर देखने मिल जाता है। इसके अंदर हमने कुछ एंड्रॉइड बेंचमार्क के स्कोर्स किए
लिए Geekbench 5 पर भी स्कोर निकाले, और जो स्कोर यहाँ पर ये निकाल के दे रहा है ना, काफी ज्यादा अच्छा नंबर हमें देखने मिलता है। ऑलमोस्ट एक बार तो मेरे पास ये 7 लाख प्लस के आसपास नंबर आ गया था। इसके अंदर मैंने थर्मल थ्रॉटलिंग का भी टेस्ट किया, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 888 का जो प्रोसेसर है ना इस फोन के अंदर, 15 मिनट का मैंने टेस्ट करा था, तो हीटिंग 44-45 डिग्री के आसपास जा रहा था। और यस, एक हाई लेवल के जाने के बाद में थोड़ा सा ये नीचे आया ग्राफ के अंदर, और जो हीटिंग है वो अराउंड हमें 45 डिग्री के आसपास देखने मिल रही थी। और यस, ये होना था, फोन एकदम हाई वाले टॉप पर चल रहा था और स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर है। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये जो मी 11 आया था ना बीच में, हम लोगों ने उसका भी टेस्टिंग किया था, तो शाओमी के मी 11 से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मी 11 बहुत ही ज्यादा हीट होता था, बहुत ही ज्यादा हीट, और ये भाई साहब उतना हीट मुझे नहीं लगा। हालांकि ये बाहर का यूनिट है, उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है थोड़ी सी अलग होगी, इंडिया में जब ये फोन आएगा तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन अलग होगी। जैसे कैमरा को बात लेकर करेंगे हम, तो कैमरा वहां के हिसाब से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है बाहर की चाइना कंट्री के हिसाब से, जो इंडिया के अंदर ये अलग तरीके से ऑप्टिमाइज होकर आएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे कैमरा सैंपल्स देख सकते हो, और जो वाइड एंगल के जो शॉट्स थे ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ह्यूमन स्किन टोन पर थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, जैसे मैंने आपको कहा इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज नहीं था, इसके लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलग रिजल्ट देखने मिलता है। सो यहाँ पर जो रियलमी GT है ये 5G के साथ आपको देखने मिल जाएगा, फ्यूचर प्रूफ तो हो गया। और जो ब्लूटूथ है वो 5.2 देखने मिलता है, और इस फोन के अंदर हमें NFC का भी सपोर्ट देखने मिलता है। इंडिया के अंदर आएगा कि नहीं आएगा NFC, बट जो बाहर वाला वेरिएंट है उसके अंदर तो NFC देखने मिल रहा है, और Wi-Fi 6E देखने मिल जाता है, जो लेटेस्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है। सारी चीजें लेटेस्ट और अच्छी चीजें देखने मिल जाती है रियलमी GT के अंदर। और रही बात यहाँ पर, हमें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने मिलेगा और रियलमी UI 2.0 देखने मिल जाते हैं, जो इसके अंदर काफी अलग तरीके से देखने मिलता है। जैसे कि थोड़ा बहुत आपको स्टाइलिंग में चेंज देखने मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया। और रही बात कुछ ऐसे स्टाइलिंग थोड़ी सी हल्की फुल्की अलग से की गई है, जो मुझे एक्चुअल में थोड़ी सी डिफरेंट और अच्छी लगी है। और रही बात यहाँ पर जो स्पीकर है, वो हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, एक भाई साहब यहाँ से वर्क करता है और एक भाई साहब यहाँ से वर्क करता है। सुपर एमोलेड की डिस्प्ले है, और यहाँ पर 1000 की पीक ब्राइटनेस तक ये जा सकता है, और आउटडोर कंडीशन में भी मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नजर नहीं आई, अच्छे से वर्क कर जाता है, विजिबिलिटी को लेकर कोई इश्यू नजर नहीं आया। क्या साड़ी गली घूम के भी आया करो, ऐसा कुछ जो गाना था कंगना रनौत का, ये वो गा रहा था। और इस फोन का जो स्पीकर है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, स्टीरियो स्पीकर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और रही बात यहाँ पर रियल परफॉर्मेंस को लेकर, लाइक जो डेली टास्क हो गए उनमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस, ऐसा कोई बड़ा तकलीफ नहीं आएगी आपको, तो बेसिकली यहाँ पर अच्छी तरीके से सारा चीज परफॉर्म कर जाता है। 34.2 डिग्री टेम्परेचर देखने मिल जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर गन से भी चेक कर लेंगे एक बार, तो अराउंड 33 के आसपास देखने मिलता है फ्रंट की तरफ भी, और रही बात बैक तरफ 33-30 यही हमें देखने मिलता है टेम्परेचर। सो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये जो भाई साहब रियलमी GT है 90 FPS की गेमिंग को सपोर्ट करता है, तो नहीं। तो ग्राफिक्स मतलब HDR एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS और स्मूथ एक्सट्रीम पर खेल सकते हो, 90 FPS का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर जब टेस्टिंग करा, तो मैंने HDR के अंदर रखी ही सारी टेस्टिंग करी थी, मतलब इससे पहले जितना मैंने यूज किया, तो डिस्प्ले तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, जैसे मैंने आपको बताया था सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, सैमसंग का डिस्प्ले हमें देखने मिलता है इसके अंदर, जो काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और रही बात परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर मैं बिना FPS मीटर लगा के आपको बोल सकता हूँ कि बहुत ही लैग तो बहुत ही कम देखने मिला है। TDM के अंदर मैंने जितना भी यूज किया था ना, काफी अच्छी तरीके से चल रहा था। और रही बात यहाँ पर टच को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं, जायरो प्लेयर हो तो भाई जिंदाबाद, तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और HDR के अंदर भी प्ले कर रहा हूँ। जायरो मस्त चल रहा है, जायरो को लेकर प्रॉब्लम नहीं है, और इवन जो फ्रेम ड्रॉप भी मुझे कोई दिखे नहीं है, और भी आपको मैं रियल टेस्टिंग में दिखाऊंगा बात बैठे। बाकी मैं यहाँ पर आपको फुल कंप्लीट पबजी रिव्यू भी देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी वेट कर लेना है। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जान लगा के सब्सक्राइब कर ही दो। दो लोग आ गए।
तो एक TDF हम लोग ने किया, 38 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। तो HDR के अंदर ऊपर से मैं खेल रहा था तो हीटिंग उतनी नहीं लगी, बट PUBG रिव्यू में वेट करना कि एक दो घंटे खेलने में कंटिन्यूस खेलने पर कितना ज्यादा ये मतलब जाता है टेम्परेचर को लेकर। पर मैं आपको सीरियसली बोलूं, जो Mi 11 आया था ना एक TDM खेलने के बाद भी उसका टेम्परेचर भाई चेक करना, आई बटन में वीडियो दिया होगा PUBG रिव्यू और नॉर्मल फर्स्ट इंप्रेशन भी इवन चेक करोगे तो आपको समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डेली यूज में आपको 120 हर्ट्ज काफी अच्छी तरीके से देखने मिलता है और ड्रॉप भी देखने नहीं मिलता, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, फ्रेम लैग हो रहे हैं, वो चीज भी नहीं है, मस्त तरीके से चल रहा है। और यस, डिस्प्ले मुझे काफी पसंद है और इन हैंड फीलिंग रियलमी GT की वो भी अच्छी लग रही है, स्टेडी फोन है, हाथ में कॉम्पैक्ट भी है, तो मेरे हिसाब से एक वेल बैलेंस डिजाइन फोन देखने मिल जाता है। इंडिया में फोन पहली बार तो देखो कब आएगा ये श्योर नहीं है, आएगा लेकिन ये तो श्योर है इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के मिड के आसपास ऐसे देखने मिल सकता है रियलमी GT। और इसका एक और कलर वेरियंट आता है जो मस्त में येल्लो और बीच में पैटर्न आता है, ब्लैक कलर का ब्लैक बार आता है, मस्त है वो भी। आप लोग मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि Realme GT की प्राइसिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और अच्छा लगा है, मजे आया है, फोन को बाहर से बाय करके मंगाया है आप लोगों को रिव्यू देने के लिए, तो फटाफट वीडियो का लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, 3 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों, आज की इस टेकी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।